Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह का फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। शाहिद ने इसे अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल अकाउंट से शेयर किया है। शाहिद कपूर ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अपने भीतर के कबीर सिंह को खोजिए। वहीं पोस्टर में शाहिद कपूर का चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन शाहिद कपूर को बिखरे और बेतरतीब बाल दिए गए हैं और पोस्टर में वह मुँह में सिगरेट दबाए नज़र आ रहे हैं। शाहिद कपूर के गले में एक आला भी लटका हुआ है। ये फिल्म तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक होने वाली है। साथ ही रीमेक फिल्म का लोगो काफ़ी हद तक मूल फिल्म जैसा ही रखा गया है और रीमेक फिल्म का निर्देशन भी संदीप वागा ही कर रहे हैं, जिन्होंने मूल फिल्म डायरेक्ट की थी। उसी के बाद बात करें फिल्म की कहानी की, तो ये एक ऐसे मेडिकल सर्जन की कहानी है जिसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ उसका परिवार जबरन करवा देता है। इसके बाद वह मेडिकल सर्जन खुद को तबाह करने की राह पर चल पड़ता है और अजीबोगरीब चीज़ों में लिप्त हो जाता है। रीमेक फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर के अलावा कियारा आडवाणी भी अहम किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म के पोस्टर पर फैंस ने तगड़ा रिस्पॉन्स दिया है। टीजर पोस्टर देख कर अब तक तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फैंस इस फिल्म से खुश हैं और अब फिल्म के लिए शाहिद कपूर की झलक देखने के लिए एक्साइटेड भी हैं। कबीर सिंह के लिए शाहिद कपूर ने पिछले काफ़ी वक्त से दाढ़ी और बाल बढ़ा रखे थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म के लिए उनका लुक कैसा रहता है और वह अर्जुन रेड्डी से कितना अलग होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म कितना ज़्यादा शानदार होने वाली है, साथ ही आपको इस फिल्म का इंतज़ार है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और पोस्टर कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates.